भुसावल शहर के पापानगर गौसिया नगर में सड़कें न होने के कारण क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं, जिसके चलते आए दिन माजी नगर सेवक शेख पापा शेख कालू सड़कों को बनाने व क्षेत्र में विकास कार्य हो के प्रयास करते आ रहे हैं। व ऐसे में शेख पापा के प्रयासों को यश मिला है। वो शेख पापा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पापानगर मस्जिद के सामने गट्टू न होने के कारण यहाँ आए दिन पानी या कचरा रहता था, जिसके लिए उन्होंने कई बार भुसावल नगर पालिका प्रशासन को निवेदन दिया था। वह ऐसे में उन्होंने विधायक संजय सावकारे से चर्चा कर मस्जिद के सामने गट्टू लगाना व क्षेत्र में सड़क बनाने को कहा, जिसके बाद विधायक सावकारे कई निधि से मस्जिद के सामने पवित्र रमजान महीने की ईद के अवसर पर गट्टू लगाए गए, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने माजी नगर सेवक की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं शेख पापा ने बताया कि जल्द ही पापानगर गौसिया नगर कब्रिस्तान सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। आइए जानते हैं कि शेख पापा व क्षेत्रवासियों ने क्या कहा। महीनों से जो है रोड के प्रयासों में लगे हुए थे आप, और कैसा यह फाइनल हुआ? सबसे पहले आप सभी हिंदू मुस्लिम को ईद मुबारक, और आप लोगों जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों तक हमारी बात जाती है, तो आप लोगों को भी उनकी मुबारकबाद। और ये जो काम हुआ पापानगर मस्जिद के सामने गट्टू का, तो ये काम जो है आमदार संजू भाव सावकारे, ये उनके फंड से ये काम हुआ है, और मैंने अल्पसंख्या होने के नाते उनसे डिमांड की थी कि भाव हर जगह काम होता, अल्पसंख्या में के एरिया में काम नहीं होता। तो आमदार साहब का कहना है तुम्हारे अल्पसंख्या के लोग मेरे पास आते नहीं, और जो आता मैं उसका काम करता, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का काम मेरे वार्ड में दिए, जिसमें से आज इसकी शुरुआत गट्टू की हो गई। गौशा नगर की मस्जिद के सामने भी गट्टू है, और डब्लू भी अपने पापा नगर का जो रोड है डांबरीकरण 1 करोड़ है उसमें 20 लाख का, काजी प्लाट में 10 लाख का सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, गौशा नगर में 10 लाख का सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है। ऐसे 70 लाख रुपए के काम आंदर फंड के मेरे को आंदर साहब ने दिए। तो ये ईद की खुशी के मौके पे मैं आंदर साहब का मुस्लिम समाज की तरफ से आभार मानता हूँ। और दूसरी विषय ये है कि नगर पालिका का जो फंड है उसमें 30 लाख रुपए के काम हमारे मंजूर हो गए हैं, मंजूर मंजर टेंडर ही निकल गया है, तो इंशाल्लाह वो भी 2-4-8 दिन में चालू होने वाला है। उसमें गौशा नगर का एक मेन रोड है जो माजिद बर्तन वाले के घर के पास बाजू में जो मदरसा है, मदरसे के पास से लेके तो गौशा मस्जिद तक वो सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड है, और मुस्लिम कब्रस्तान का जो गेट है वहाँ से तस्लीम दाढ़ी लकड़ा वाले उनके घर के पास में एक सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड है, और तीसरा जो रोड है तो हमारे रफीक भाई के घर के पास से तस्लीम भाई जो है लकड़ा वाले वहाँ एक 10 लाख का सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड है, तो रोड का भी जल्द से जल्द काम होने वाला है। वो रोड के बारे में मैं नगर पालिका का आभार मानता हूँ, नगर पालिका का मैं मुख्य अधिकारी प्रधान अधिकारी का आभार मानता हूँ कि जो नगर पालिका जो फंड था, नगर पालिका के जो फंड के जो काम थे वो काम अभी फिलहाल रोके गए ले, लेकिन जो अपना महत्व का काम था एटीएम साहब ने हमारे वाल का सर्वे करे थे, ये रोड उनके ख्याल में था, तो उन्होंने नगर पालिका फंड से 30 लाख रुपए का जो काम है हमारा मंजूर भी हो गया है, और ठेकेदार को टेंडर भी दे दिया है। आने वाले 2-4-8 दिन में इंशाल्लाह वो रोड की भी शुरुआत होने वाली है। नवंबर ने जो है सबसे पहले तो ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद, और जनाब हमारे माजी नगर सेवक जनाब पापा भाई और इमरान भाई, इनकी कोशिशों से जो पापा नगर मस्जिद के सामने जो गट्टू लगाए गए बहुत ही माशाल्लाह एक रौनक भरी, यानी आज मस्जिद के सामने एक रौनक नज़र आ रही है, और बहुत ही अच्छा काम किया गया। इसी तरह मेंबर साहब आगे भी इसी तरह के काम करते रहे, मैं इसी दुआ करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मेंबर साहब को आने वाले इलेक्शन में भरपूर वोटों से उनके चुनकर लाए, ताकि बाकी के जो काम हमारे बाकी हैं हमारे एरिया के, वो मेंबर साहब तो को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, काम करने में वो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, और इंशाल्लाह बाकी के जो काम है वो चुनकर आने के बाद वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह।
जोर से बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पापा मेंबर जो मुट्ठू लगाए हैं पापा मस्जिद के सामने, बहुत खुशी की बात है। ईद के मौके पे हमारे वार्ड के पापा मेंबर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत खुशी की बात है कि मस्जिद के सामने जो मुट्ठू लगाए तो पापा मेंबर ने सब काम करे रात दिन जो भी है, ये पापा मेंबर के शुरू काम हुए ले। इस बात की मैं मुबारकबाद देता हूँ मेंबर को ईद की खुशी में। रहमतुल्लाह बरकातुहु, तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। और ईद की खुशी में और बेहतरीन त्यौहार में हम लोगों को ये रास्ता मिल गया, अच्छा हो गया है। और तमाम को मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको अच्छा रखे, आफियत रखे, खैर रखे, मुबारक हो। क्या कहेंगे, ये जो गट्टू लगाया गया मस्जिद के पास में बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत ऊँची की बात है। किसके प्रयासों से हुआ क्या पता है? अल हाफिज हज उमरा जियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स ने अब 20 अप्रैल 2024 को 15 दिन का उमरा सबसे कम पैकेज में, जिसमें आपको मक्का में 600 मीटर और मदीना में 200 मीटर पर होटल रहेगी और खाने में इंडियन पकवान रहेंगे। तो पता याद रखें, खड़का चौफुल्ली ताज लॉन कॉम्प्लेक्स, खड़का रोड, भुसावल। भुसावल शहर की मुगलाई जायका कैटरिंग में अब स्वादिष्ट हैदराबादी चिकन बिरयानी 199 में 1 kg मिलने का एक ठिकाना, जिसमें आपको लखनवी हैदराबादी बिरयानी के साथ अन्य 20 प्रकार की बिरयानी मिलेंगी और खास रमजान में आपको 60 प्रकार के स्टार्टर रहेंगे। साथ ही आपको अरबियान तुर्कीस खाने के पकवान मिलेंगे और शादी और पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। तो पता याद रखें, खड़का चौफुल्ली ताज मैरिज हॉल के पास, भुसावल।